बुलंदशहर से मुकेश आर्य की रिपोर्ट। होली पर्व को लेकर पीस कमेटी की बैठक। जनपद बुलंदशहर में शांति व्यवस्था को कायम रखने के लिए किया गया मीटिंग का आयोजन। होली के मद्देनजर अधिकारियों सख्त निर्देश। उत्पात करने वाले व्यक्तियों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही अधिकारी अलर्ट होते दिखाई दे रहे हैं। जनपद बुलंदशहर के कस्बा स्याना में पीस कमेटी की मीटिंग का किया गया आयोजन, जिसमें SDM स्याना, CO स्याना, कोतवाली प्रभारी ने स्याना तहसील में लगने वाले ग्राम प्रधानों व स्याना नगर पालिका चेयरमैन तथा सभी सभासदों सहित शहर के मौजूदा लोगों के साथ शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए अपील की तथा भाईचारा बनाए रखने के लिए सख्त निर्देश दिए। अधिकारियों ने बताया, होली के इस पर्व को बहुत ही शांतिपूर्वक मनाए, शांति बनाए रखे तथा DJ पर हंगामा बिल्कुल ना किया जाए। अगर कोई व्यक्ति DJ पर हंगामा करता हुआ या नशे में धुत पाया गया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस की चप्पे चप्पे पर रहेगी, शहर से लेकर गाँव तक पुलिस करेगी जगह जगह निगरानी। आज मीटिंग रखी है, किस तरीके के निर्देश दिए गए आपको? आज शाना कोतवाली में SDM साहब, इंस्पेक्टर साहब, CO साहब सब लोग हैं, सभी ग्राम प्रधानों की और सम्मानित मेंबरों की, जो गणमान्य व्यक्तियों के बीच में इंस्पेक्टर साहब ने, CO साहब ने, SDM साहब ने बताया है कि जो आपके गांव में, क्षेत्र में, गली मोहल्लों में जो लोग शराब पी के उत्पात मचाते हैं उनको चिन्हित किया जाएगा। और जो हम सब लोग आपस में भाईचारा बनाकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी सब लोगों के साथ मिलकर हमको होली का त्यौहार अच्छे से मनाना है और भाईचारा पैदा करना है। बहुत इंस्पेक्टर साहब ने बार बार ये कहा है कि जो लोग होली के उपलक्ष्य में दोपहर तक खेल लेते हैं, उसके बाद ड्रिंक करते हैं या कहीं शराब पी के उत्पात मचाते हैं, तो तुरंत हमको कॉल करें, पुलिस को कॉल करें, पुलिस वहाँ पहुँचेगी और शांति व्यवस्था बनाए रखी जाएगी। क्या नाम है आपका? रईस मलिक। अच्छा, आज मीटिंग रखी है होली पर्व को लेकर, किस तरीके के निर्देश दिए गए? आज शाने कोतवाली में मीटिंग रखी गई है शांति समिति की, जिसमें SDM साहब, CO साहब और इंस्पेक्टर साहब ने सब कस्बे के सभी जिम्मेदार साथियों की और क्षेत्र के ग्राम प्रधान और सभी जिम्मेदार साथी आए, सबको दिशा निर्देश दिए होली के संबंध में कि कहीं भी कोई ऐसी घटना प्रिय घटना होती है तो उन्होंने अपना नंबर दिया है, वो हमें तुरंत सूचना दें। यदि कहीं शराब वगैरह बिक रही है या कहीं कोई ऐसे कुछ सट्टा ये सब चल रहा था उसकी हमें जानकारी दें। और स्याने में नगर पालिका द्वारा को उन्होंने निर्देशित किया है कि होली पर के दिन पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। और अच्छा ये बताइए रही जी, आप मोहन समाज से ताल्लुक़ रखते हैं, होली पर्व तो हिंदू का है, आप किस तरीके का संदेश देना चाहते हैं इस होली के लिए? देखिए, हमारा जो शहर है, कस्बा है, ये हिंदू मुस्लिम एकता की एक मिसाल है और यहाँ पर हमारे पड़ोस में होली दहन होता है जो जस्ट बिल्कुल मुस्लिम परिवार के से सटी हुई होली रखी जाती है और वहाँ मुस्लिम परिवार और पूरा शहर के लोग होली दहन पर सब लोग एक साथ रहते हैं। हम सब लोग ईद, दिवाली, होली सब लोग मिलजुल के साथ मनाते हैं। यहाँ बहुत अच्छे से लोगों में सौहार्द बना हुआ है। यार, स्याना में पीस कमेटी की मीटिंग रखी हुई है और होली पर्व को लेकर सभी लोगों को निर्देश दिए, किस प्रकार के निर्देश? आज थाना परिसर में स्याना में आगामी होली त्यौहार को शांतिपूर्वक और सौहार्दपूर्वक बनाने के लिए पीस कमेटी की बैठक की गई थी, जिसमें सभी विभागों के यथा स्वास्थ्य सेवा और नगर पालिका को और सफाई के लिए भी निर्देश कर दिया गया है, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कर दिया गया है कि अपने ड्यूटी रिटर्न में दे दें, कौन उस समय मौजूद रहेगा अगर कोई भी घटना घटती है, और सफाई के लिए भी बता दिया गया। अच्छा सर, जिला प्रशासन की तरफ से एक मैसेज छोड़ा गया है होली देहांत को लेकर, उसका थोड़ा सा विस्तार बताइए। आपको तो होली देहांत को लेकर, आपका होली देहांत ही कराया जाएगा?